हेलो दोस्तों, मैं हूँ सादिक। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपके पास स्प्लेंडर बाइक हो या पैशन प्रो हो, सीडी डीलक्स हो, एचएफ डॉन हो या सीडी डॉन हो, सभी का इंजन एक ही है। तो फुल इंजन कैसे फिटिंग करें, गियर पिनियन को कैसे फिट करें, गुल्ला वगैरह वो कैसे सेट करें, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ कि ये जो आप सेलेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पे कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये कटा हुआ रहेगा तो इसे आपको चेंज कर देना है, फिर नया लगा देना है। उनके बाद ये एक पिन आता है गुल्ला का पिन, ये पिन हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ से घिस गया है, अगर ये पिन यहाँ से घिस गया है तो आपको क्या करना है, इस पिन को चेंज कर देना है। यहाँ से पिन अक्सर घिस जाती है, यहाँ कट जाता है और यहाँ ठीक रहता है, तो ये पिन एकदम बराबर होना चाहिए। इस पिन को भी आप खोल करके देख लें, तो ये जो देख रहा है सिलेक्टर, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा कट जाने की वजह से आपको चेंज करना है। तो आपको फिट कर इसको भी ऊपर कर सकते हैं, नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पे ऐसे सेट करना है, और सेट करने के बाद ये जो आप कटर देख रहे हैं, ये कटर पर आपको फिट करना है और इस पिन को घुसा देना है। तो ये देख रहे हैं पिन हमारा घुस गया है। उनके बाद क्या करना है, एक लॉक आता है, ये एक लॉक आता है, आपको इस लॉक को लगा देना है। तो इस लॉक को कैसे लगाना है, इस तरह, तो ये जो लॉक है आपको इधर से लगाना है, ये देखिए ये हमारा लॉक लग गया है। ये लॉक लग जाने के बाद इसे आपको हिला के देख लेना है, कहीं हमारा पिन तो कहीं बाहर तो नहीं फेंक रहा, इसका मतलब अच्छा से लॉक हो गया है। ये भी चेक कर लेना है और गुल्ला का पोजीशन भी चेक कर लेना है, कहीं कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये हमारा पत्ती सही है, लेकिन हम इसे नया लगा देते हैं। तो नया लगाने के बाद इसको थोड़ा सा पेचकस घुसा के सीधा करना है और इसको निकाल देना है, ये आराम से आपका निकल जाएगा। उनके बाद आपको क्या करना है, ये एक नया पत्ती लेना है, नया पत्ती इस तरह से लगेगा, और लगाने के बाद इसको आपको मोड़ देना है। ये देखिए अंदर से हमने मोड़ दिया हूँ ताकि ये खुले नहीं। ये हमारा गुल्ला का काम हो गया है। जब भी स्प्लेंडर बाइक खोलते हैं तो इनमें एक वाशर होगा और ये एक पिनियन इस तरह से लगेगा, ये कट होगा, बाकी आपका ये पिनियन कुछ भी नहीं खुल सकता है। और चेंज कर ले, दांत वगैरह में दाग वगैरह तो नहीं है, ये सब ज़रूर चेक कर ले, ये सब ज़रूर चेक कर ले, ये कटा हुआ तो नहीं है, इसमें भी चेक कर लेना है, ये कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये सही है। उनके बाद ये पिनियन जब आप खोलते हैं तो इनमें देखिए यहाँ पे लॉक है, लॉक के बाद एक वाशर आता है, ठीक है, ये जो वाशर देख रहे हैं, एक वाशर लगा देना है। उनके बाद एक फिर वाशर आपको देना है, ये पिनियन को आप किधर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद एक वाशर ये देना है, और ये पिनियन क्या करना है देख लीजिए, इसमें सिर्फ एक पिनियन खुलता है, एक बूझ देना है आपको, उसके बाद ये पिनियन इस तरह से लगाना है और ये आपको इस तरह से वाशर दे देना है। तो आपको समझ में आ गया, बस यही है और कोई भारी बात नहीं है। उनके बाद आपको क्या करना है, ये गुल्ला को आपको लेना है इस तरह से, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको करना है, ये बड़ा वाला जो गियर पिनियन है इसमें फिट करना है, और ये जो छोटा वाला है आपको इसमें फिट करना है। उनके बाद आपको ये चारों को मिला देना है, चारों मिल जाने के बाद आपको क्या करना है,
यहाँ से आपको उंगली नहीं हटाना है, क्योंकि यहाँ पे वाशर होता है, इसलिए यहाँ से उंगली नहीं हटाना है। उनके बाद आपको धीरे धीरे रखना है। देखिए हमारा हो गया है, थोड़ा सा और पेनियन अंदर जाएगा। देखिए ये पेनियन भी हमारा अंदर चला गया है। उनके बाद आपको ये पत्ती चेक कर लेना है, पत्ती हमारा सही घूम रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख लाइएगा, ये पत्ती कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। ये पत्ती जो आप देख रहे हैं, ये पत्ती हमारा कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, इसलिए पत्ती पर ध्यान देना है। ये गियर लगा कर भी देखना है, ठीक है। तो ये हम न्यूट्रल में कर देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल में ये चार नंबर पर है, न्यूट्रल में हमारा एक सप्ताह फ्री रहेगा और ये सप्ताह नहीं घूमेगा। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। इनके बाद करेंगे कि जब भी रिपेयर करवाएं, असेंबली लगवाएं और ये पेनियन ज़रूर से चेंज करवा लें, साफ मोबिल का डब्बा। उनके बाद नया इंजन ऑयल आप इसमें डाल दें, ताकि असेंबली में आपका चला जाए, ठीक है। उनके बाद आपको करेंग को लगाना है। तो ये हम करेंग को लगा रहे हैं। करेंग आसानी के साथ हमारा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किक रेचर्ड में आपको एक वाशर होना चाहिए। और उनके बाद इनका टाइमिंग देख लें, टाइमिंग आपको हम बतला देते हैं। ये जो बिंदा देख रहे हैं, इनका सीध में होना चाहिए और यही सीध में एक दाना रहता है, ये दाना आपका मिला हुआ रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, किक को आपको सिर पर रख देना है, ठीक है। ये हमने किक भी रख दिया, ये भी रख दिया, इसमें हम ऑयल बाद में दे देंगे। और क्लच कवर जब भी लगाएंगे, एक बुश यहाँ एक बुश यहाँ, अगर चेंबर नहीं बैठे तो आपको यानी कि पेनियन को ऑयल पंप को घुमा के चेंबर बैठाना है। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।